देखिए, पुलिस और प्रशासन अजमेर में एक ही है, और जो हमारा अभी पिछले कुछ दिन जो बीते हैं उसके अंदर होली पूरे ज़िले के अंदर शांतिपूर्वक बीती है। एक भी किसी प्रकार की कोई ऐसी खबर नहीं आई जिसके कारण हमारे को किसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सामना करना पड़े। ये मेरा मानना है कि पूरी पुलिस की जो हमारी टीम है जो मुस्तैद रूप से काम किया है उसके कारण ही रहा है, और आज उसी खुशी के अंदर हमारे यहाँ पे पुलिस का परिवार सभी उनके परिवारजनों के साथ में होली मना रहे हैं, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। परसों दो दिन का होली का दहन और दिवंडी का के बाद आज पुलिस लाइन में होली मनाई जा रही है, जिसमें सभी पुलिसकर्मी और अधिकारी मिलकर होली मना रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इस बार होली के बाद का समय भी इसी तरह खुशी से मनाएंगे। और ये संदेश है सारी पब्लिक को कि अपने त्यौहार जो भी हो इसी तरह खुशी से मनाएं, सौहार्द मनाएं। धन्यवाद। हमारे पुलिस परिवार की तरफ से जो दुलंडी के दूसरे दिन है वो होली का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि कल हमारी इतनी व्यस्त ड्यूटी रहती थी उसको देखते हुए हम दूसरे दिन होली मनाते हैं, और आज हमारे जवान से लेकर के सारे अधिकारी हम एक परिवार की तरह होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो होली के त्यौहार के अंदर चाहे बेटा हो चाहे दादा हो, सारे एक जैसे होते हैं, तो वहाँ किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से आज हमारे सारे जवानों के साथ में उनके परिवार के साथ में हम सारे एक परिवार की तरह होली मना रहे हैं। मैं सभी को मेरे पुलिस परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरह से मना रहे हैं सर होली? आप देख रहे हो कि यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में और गुलाल के साथ में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, और जो हमारे पुलिस परिवार की जो फैमिली है आप देखोगे कि उधर महिलाएं हैं वो डांस कर रही है, इधर सारे जेंट्स हैं वो डांस कर रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं।